दूसरे सैशन का आगाज करने तीसरे सैशन का आगाज करने साढ़े दरम्यान प्रोफेसर रिटसन जो जर्मनी से तशरीफ लियाए साड़ी खुशकिस्मत ये कि वो आज पिशोर च आए सारे तमास की पिछले हफ्ते मेरे दोस्त डॉक्टर अब्दुल रूफ जेडे पिशोर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मेरे दोस्त भी ते मेरे क्लास फैलो भी ते उन्होंने तवसत तशरीफ रखते हैं। मैं गुजारिश कर सा प्रोफेसर खलील तो कार लूँ कि वह स्टेज पर तशरीफ लियाँ सैशन की सदारत कर मैं मुहतरम जहूर सेठी साहब से भी गुजारिश कर लूँ कि वह भी तशरीफ लियाँ स्टेज पर तशरीफ लियाँ डॉक्टर अमजद हुसैन साहब से मैं गुजारिश कर लूँ कि वह भी स्टेज पर तशरीफ लियाँ सर ख्वाजा यावर नसीर साहब से मुलतमिस कि वह भी स्टेज पर तशरीफ लियाँ प्रोफेसर रीड साहब से गुजारिश है कि वह तशरीफ लियाँ प्रोफेसर रीड्स तैयारी जरा कर लो थोड़ी तैयारी कर लो उसके बाद असी इसमें इंशाल्लाह पेश कर सी प्रोफेसर रीड इन्ह का सब्जेक्ट पोलिटिकल साइंस है बुनियादी तौर पर इन्ह की स्पेशलिटी जी मुस्लिम मूवमेंट्स खासकर साउथ एशिया के जी मुस्लिम मूवमेंट्स रही इन्ह की स्टडी उसके वे स्पेशलिटी इन्ह की है तो लैंग्वेज कल्चर के हवाले इन्ह के अपने जो ख्याल थाट्स जो वक्तन फवक्तन पेश करते रहे ये अपने ख्याल पेश कर सुन के लैंग्वेज की किरदार अदा करती है इंटग्रेशन के वट द लैंग्वेज प्लेज अ रोल इन द इंटग्रेशन ऑफ अ सोसाइटी एंड वट रोल इट कैन प्ले इन द डिसइंटग्रेशन अदर पॉइंट ऑफ व्यू एंड आल्सो द हिंको इन द रेफरेंस ऑफ हिंको एंड द लैंग्वेज विच आर बींग स्पोकन इन के पी के स्पेशली इन पाकिस्तान ही हैज़ आल्सो स्टडी ऑन दीज लैंग्वेज एंड कल्चर्स प्रोफेसर साहब रीड साहब जो अंग्रेजी भी जानते हैं तो उर्दू भी इन्होंने आती है माशाल्लाह तो उस गुफ्तगू से बाद ओपन उसी टू वे ट्रैफिक चल सी थाट्स की तुम इन्हों की गुफ्तगू से बाद जरा भी सवाल हो सवाल करो मैं चाह सा कि इस जिस तरह सैशन होंगे कॉन्फ्रेंस इंतहाई जिस होर तो गल सुन के बाद उस बाद आपको इनवॉल्व करके तो गल पूछी जाए ताकि एक बंदा जिसका एक्सपीरियंस है फील्ड के जहर दूसरे मुल्क से उन्होंने ताल्लुक है तो वह अपने मुल्क के हवाले न तनाजर जो उन्होंने सीखा हुआ है वो अपने जो तजुर्बात मुशाहदात अपनी स्टडी जी साढ़े नाल शेयर कर सुन मैं जरूर चाह सा खवातीन भी तो मर्द भी इस प्रोसेस हिस्सा लाऊँ तो मैं सारे इस सैशन की सदारत खलील तुकार साहब सैशन के सदारत पर कर दें तो की नोट स्पीकर साढ़े प्रोफेसर रिट्स डॉक्टर प्रोफेसर रिट्स से की नोट स्पीकर तो इसका आगाज अस कर मैं हूँ गुजारिश करना प्रोफेसर रिट्स साहब से पहले तुम चलाने से तैयार हो हैलो रेडी तैयार डॉक्यूमेंट्री है असं पेश हासिल करना चाहते हैं कि सने एक तजुर्बा किया पिछले महीने सने खवातीन की कॉन्फ्रेंस करवाई है हिंकवान खवातीन की त्रिमता कॉन्फ्रेंस इट वॉज एक तजुर्बा कामयाब होया डॉक्टर समीना जैद साहबा जो तशरीफ रख दी इस कॉन्फ्रेंस की कन्वीनर रही इस कॉन्फ्रेंस में गंदारम को बोर्ड तो गंदारम को अकैडमी ने मिल के किया इस लिहाज ने कामयाब होया कि 250-300 खवातीन ने शिरकत की है अरकाइव हाल त्रै चार बजे तक प्रोग्राम जारी रही है इस खवातीन 10 खवातीन ने हिंको दे पेपर्स पढ़े तो खवातीन खुद कहदियाँ कि साड़ा पहला तजुर्बा है प्रोफेसर रही डॉक्टर रही इस प्रोफेसर गुलनाज अरशद वो डॉक्टर उमे सलमा डॉक्टर तजीन गुल इस आफ्ताब इकबाल बानो इस होर खवातीन शरीक हुई 10 खवातीन तो वह मैं चाहना कि तुम 10 मिनट की डॉक्यूमेंट्री दे उस चीज़ में थोड़ा जा तुसी भी जो लोग मौजूद नहीं गए उस एंजॉय करो थोड़ी डॉक्यूमेंट्री ताने मुलाजा की है सैशन इस खातर भी पेश किया कि प्रोफेसर रीड साहब भी चूंकि उर्दू जान दें तो इनको भी शुद्ध बुद्ध रख दें तो मैं उम्मीद है कि उन्होंने थोड़ा बहुत इसको समझा भी उसी साड़ी इनको जुबान प्रोफेसर रीड साहब साढ़े दरम्यान मौजूद मैं उन्हें मुलतवी गुजारिश कर स
कि वो तशरीफ लियाउन ते अपनी गुफ्तगु हाजरीन दे सामने रखन तो उसके बाद फिर सवाल जवाब दी नशिस्त हो सी इंशाल्लाह। जनाब प्रोफेसर डॉक्टर रीड्स, थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर डॉक्टर रीड्स, साड़ी दावत तशरीफ लिया है, उन्होंने अपना सारा ख्याल किया। प्रोग्राम का आखिरी सेशन है, इस में हम साडे गंदायन को बोर्ड दे सरप्रस्त भी तुसी कह लो डॉक्टर अमजद हुसैन साहब साढ़े, क्योंकि इन्होंने उस टाइम उस वक्त जो तो मेरा विआह होना पिया 1995 तो इन्होंने अपनी कार की बैठक में एक मजलू सजाई तो इन्होंने कि सारे पिछोरी इकट्ठे होते हैं को तरक्की देने तो इन्होंने अपनी पूरी पिछोरी सकाफत दबाना डॉक्टर साहब याद हो सी तो बुलाया जो रहमान साहब तो वही दा गफूर मरहूम वगैरह मरहूमा वो इन्होंने एक दर्द लिखाया अपना कि जी इनको अकेडमी तो इनको डिपार्टमेंट होना चाहिए। तो उस टाइम असी उस टाइम उम्र मेरा ख्याल 25 साल काट कर लो हूँ पंजा तो 25 साल अद्धी उम्र हुई उस वक्त दावत सारे लबै किया तो आया कि जी अकेडमी बढ़ाओ तो डिपार्टमेंट बढ़ाओ तो अद्धी बोर्ड बढ़ाओ एक अद्धी बोर्ड डॉक्टर साहब ने बढ़ाया उसी बाद अद्धी बोर्ड की कहानी शुरू हो गई पिशोर डॉक्टर साहब वाकफ हूँ सारे कोशिश की थी कि इस तहरीक में सके बताइए सारे जिस दिन से वो सह आगाज किया असी सारे सफर जारी रखो है तो इंशाल्लाह जारी रख सी है मेरी असी इल्तमास है कि आऊँ तो वो अपने हाथ न शील्ड प्रोफेसर रीड साहब न पेश करूँ जनाब प्रोफेसर रीड्स शील्ड पेश कर डॉक्टर बहुत बहुत शुक्रिया ये डॉक्टर साहब जी की रिवायत पिशोर है बाकी ये बड़े मुश्किल काम होता है डॉक्टर सलाउद्दीन साहब बैठे हैं सारे पिछले आदमी कॉन्फ्रेंस शीलां देनी शुरू की हैं तो थोड़ा जा बदनज़मी का भी शिकार हो गया प्लीज असी इनको आदमी कॉन्फ्रेंस दो दिन इंशाल्लाह कल तो परसों उस शीलां का विशेषता देने का जारी रहा सी एक टोकन हवाला होंगे सिर्फ उस दिन की ड्राइंग रूम के चीज़ सज जाती है लेकिन उन्होंने वो चीज़ याद दिलाती रहती है कि कितने अर्सा पहले सामने शिरकत की थी। बहरहाल असी इस सैशन का अख्ताम का ऐलान करने से पहले मैं थोड़ा जा हाजरीन थोड़ा जा बताना पसंद कर सा कि साड़ी इनको आलमी कॉन्फ्रेंस इंशाला कल तो परसों आर्काइव हाल में जारी रहा सी इस तुसी महसूस कर देख सो कि बड़े खूबसूरत खूबसूरत पेपर्स पेश हो सन कराची से लैके तो खैबर तक लोग आते पे कश्मीर से भी लोग आते पे तो इस पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाक़े से ईवन गिलगित बल्तिस्तान से भी रिसर्चर्स प्रोफेसर आए तो ये मैं तुम्हें सिर्फ एक गल बताव कि एक खातून कराची से बाय एयर अपने टिकट से आँधी पे इस खातून उन्होंने कहती मूँ इस सब्जेक्ट ने इतना प्यार है जब तुमने दिता है कि प्यार मुहब्बत जुबाना का हवाला वे तो मैं इस शिरकत कर सा प्रोग्राम शुरू हो सी 9:30 तो इंशाल्लाह वक्फे के नाल हो सन तो प्रोग्राम 9:30 शुरू हो सी जी तो इंशाल्लाह 9 तक जारी रहे सी उस मुशायरा भी उसी आलमी इनको मुशायरा भी उसी तो कल्चरल प्रोग्राम भी इंशाल्लाह उसी तो उस साड़ी किताबों की नुमाइश भी उसी उस पेंटिंग की नुमाइश भी उसी उस तुसी इंशाल्लाह देख सको कि साढ़े खतात खताती की भी विचार कंट्रीब्यूशन है तो उस प्रोग्राम जो सामने दिता है डिटेल प्रोग्राम उस जो स्कॉलर्स भी मौजूद हैं जो साढ़े दोस्त अहबाब आए हैं बाहर के शहर से उन्होंने सारी रिहायश दी है जरा साथी भी जरा नवे आए हैं इतना रिहायश नहीं मिली रोज़ होटल सामने स्टे दिता है तुम रोज़ होटल जाओ तो इंशाल्लाह तुम उ रिसेप्शन से जा सो तो कमरा वगैरह प्रोवाइड कर सो बारिश सारी सहूलत मिल सन उस गवर्नर साहब इंशाल्लाह आते पे उस प्रोग्राम के उन्होंने इसके बावजूद कि वो उत्तर मसरूफ हूँ फाटा के रिफॉर्म्स के प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग बुलाई है लेकिन उन्होंने पैगाम भेजा इजाज प्राइज साहब ने उन्होंने मैसेज किया उन्होंने एस एम एस किया उन्हें कि जी बिल्कुल मैं आसा ये मेरी जुबान है तो अपनी जुबान की नुमाइंदगी तुमने मुझे बुलाया तो मैं अपना जहाँ तुमने शेड्यूल दिता है उस तहत तो मैं ना आसा कल सुबह बल्कि उसी बात कहने जो भी मुझे टाइम मिल सी मैं तुम्हें बताया सा तो उस मैं आसा उस साढ़े सैशन बाकी स्पीकरस मिनिस्टर्स बाकी वो भी आसन शिरकत कर सन उस सैशन असी सारे रखो है कि 3-4-5 पेपर जो पेश हो सन उसी बस आने एक वक्फा रखो है सवाल जवाब का वो सवाल जवाब भी इंशाल्लाह सारे हो सन जो जितने भी हाजिर हूँ असी खाना इंशाल्लाह ख्वाहिश है दावत कबूल करो सजे हाथ से
खवतीन त्रिमताओं से सानी खाने का तमाम किया है ते खबे आते मर्द हजरात उसे खाने का तमाम किया है तेज नाली में थोड़े सब शुभकामना ते दिल से शुक्र गुजार हाँ खास कर जो साढ़े मेहमान ग्रामी तशीफ रखते हैं प्रोफेसर रीट साहब सिस्टर खरीद तुकार साहब साढ़े जे चू सेठी साहब साढ़े बितावन करते हैं जावर नसीर साहब बाकी जितने भी अब साढ़े तशीफ रखते हैं उन्होंने उन्होंने तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया दिल की गहराई से अदा करना तो थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह इस इल्तमास के नाल कल तुम इंशाल्लाह आर्काइव्स आ सो थैंक यू शुक्रिया बहुत मेहरबानी।